अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को आसिफ टेक्निकल चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों आज की मैं वीडियो में आपको बताऊंगा मोटरसाइकिल बल्ब क्यों बार बार फ्यूज़ हो जाता है, तो उसका क्या मसला होता है। ये देखें, हमारे पास मोटरसाइकिल है, इसका लाइट जो है ना बार बार ख़राब हो जाती है, इसका बल्ब फ्यूज़ हो जाता है बार बार। तो अब हम इसकी लाइट खोलते हैं। अब हमने इसकी लाइट खोल ली। अब इसका होल्डर बाहर निकालते हैं, फिर बल्ब बाहर निकालते हैं। ये बल्ब देखें बिल्कुल फ्यूज़ हो चुका है। अब हम इसमें न्यू बल्ब लगाते हैं, फिर इसको चेक करते हैं कि जलता है या नहीं, बल्ब फ्यूज़ होता है या नहीं। बल्ब लगा दिया, अब होल्डर लगाते हैं। होल्डर भी लगा दिया, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें पहला फ्यूज हो गया। ये देखें बिल्कुल फ्यूज़ हो चुका है बल्ब। अब हम इसका टापा खोलते हैं, रेक्टिफायर का जो ग्रिप है वो निकाल दिया है हमने। अब हम ग्रिप में करंट चेक करते हैं, इसमें करंट सही पास हो रहा है या नहीं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ग्रिप ठीक है, करंट सही आ रहा है इसमें। अब हम इसमें न्यू इलेक्ट्रीफायर लगाते हैं। ये देखें क्राउन कंपनी का है, 200-250 का तकरीबन मिल जाता है। अब हम बल्ब भी न्यू लगा रहे हैं इसमें। ये देखें बल्ब लगा दिया, अब हम होल्डर फिट करते हैं इसका। हाथ से फिट नहीं हो रहा, अब हम प्लास की मदद से फिट करते हैं इसको। ये देखें फिट हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम फुल स्पीकर देख देखते हैं कि बल्ब फ्यूज होता है या नहीं। ये देखें फिट दे रहे हैं, आई डोंट नो। वो था इलेक्ट्रीफायर का। ये देखें अब हम पुराना इलेक्ट्रीफायर खोल लेते हैं। अब हम न्यू इलेक्ट्रीफायर लगा देते हैं। ये देखें ये बिल्कुल फिट कर दिया हमने। अब हम इसका टापर लगाते हैं। आप अभी लगा दिया हमने, अब हम लाइट देखेंगे। लाइट बल्ब बिल्कुल ठीक है, सही लोग ठीक हो रहा है। अब हम लाइट को फिट करते हैं, लाइट के काबिल लगा रहे हैं। देखें बिल्कुल ठीक है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।